नमस्कार दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और इसके पीछे वो घर पर ही अपने बच्चों के लिए ट्यूशन लगा देते हैं या अपने बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार बच्चे हमसे शिकायत भी करते हैं कि ट्यूशन टीचर गलत है या वो हमें प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन कई माँ बाप इस पर ध्यान नहीं देते और कुछ ऐसा ही गलती कर रहे थे कन्नौज के ये माँ बाप भी। दोस्तों, दरअसल यह वीडियो यूपी के कन्नौज जिले का है, जिसमें एक बच्चा बच्ची अपने पिता से शिकायत करते हैं कि हमें इन टीचर से नहीं पढ़ना, ये टीचर हमें बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। लेकिन दोस्तों, पिता को तो यही लगा कि टीचर भगवान का रूप होते हैं और बच्चों को थोड़ी बहुत मार तो पढ़नी ही चाहिए। लेकिन बच्चों की शिकायत पर उन्होंने एक बार घर में सीसीटीवी कैमरा क्या लगाया, बच्चों के और टीचर के सारी चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड हो गई। दोस्तों, देखिए इस टीचर को, जो कि लगातार बच्चे को 4 थप्पड़ जड़ देता है और साथ ही साथ उस बेचारी बच्ची को भी थप्पड़ मारने लग जाता है। दोस्तों, ये पूरा विजुअल हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये YouTube की गाइडलाइन के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, इस जनाब ने इस मासूम से बच्चे को 4 जोरदार थप्पड़ मारे और इस बच्ची को भी 2 थप्पड़ जड़े। दोस्तों, आप बताइए, क्या ऐसे टीचरों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? क्या ऐसे टीचर को टीचर बने रहने का अधिकार है या नहीं?